कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। पत्नी कहती है, क्या बात है, मुझसे बात पूछ रही हो, मुझसे पूछ रही, तुम्हारी इतनी औकात, चली जाओ अपने मायके, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। अच्छा, भोजन की थाली लगा दूंगा आपको, तेरी मर्जी, लगाना हो तो लगा दे, मैं भूखा सो जाऊंगा, बैठिए मैं भोजन करवा देती हूँ। उसने भोजन की थाली लगा दी, भोजन किया, दो तीन गिलास खाने के बाद, इतने दिन हो गए भोजन बनाना नहीं आता, कितना नमक तेज है इसमें, लौकी की सब्जी में, पागल हो गई क्या, मुझे नहीं खाना, प्लीज दूसरी सब्जी उसमें मिला लो, नमक सेट हो जाएगा, हाँ तू मुझे सेट करेगी। और जैसे तैसे रोटी खाई, उसने रोटी खिलाई, वो अंदर के कमरे में गई तो बच्चा रिमोट से मोबाइल, वो टीवी देख रहा था, एक चांटा दिया, आजकल पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है और रिमोट से टीवी देख रहा, बेशर्म कहीं का, दुष्ट कहीं का। बच्चा तो घबरा गया, मम्मी मैं अभी अभी पढ़ के उठाऊँ, पाँच मिनट पहले, पापा आने के पाँच मिनट बाद ही मैं अभी मोबाइल देख रहा, क्या डांटने जा रही है बच्चे को, कहाँ जा रही है, बैठ जा बैठ जा। ये तो होते ही रहता है, ये तो संसार इसी का नाम है। वो ख्याल आ गया हो कि बच्चे को डांटने जाना है, क्या पता। और वह बच्चे को जब चांटे पड़ गए, बच्चा गुस्से में बाहर निकला और एक कुत्ता सामने से आ रहा था, बच्चे ने कुत्ते को एक पत्थर दिया, कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा और वह कंपनियों के मैनेजर उसी कॉलोनी में भोजन गन के राउंड ले रहे थे, कुत्ते ने जाकर के उसे काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। चक्र कैसा चला, मैनेजर ने जिसे बेकसूर डांटा था और डटते डांट चिल्लाते चिल्लाते कुत्ते जब चिल्लाया, अंत में मैनेजर के मालिक को यानी उस अरबपति व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। बंधुओं, हम चिल्लाना बहुत खतरनाक है। प्यार में जो ताकत है, आत्मीयता में जो ताकत है, अपनत्व में जो ताकत है, वात्सल्य में जो ताकत है, जो प्रेम में ताकत है, वो आज धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और चैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अगर अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करना चाहते हो, अपने जीवन को कितना अच्छा बनाना चाहते हो, तो दो शब्द मीठे बोलने का प्रयास करो, दो आत्मीय से भरे हुए शब्द, अपनत्व से भरे हुए शब्द अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और सामने वाला तुम्हारा जिंदगी भर का अपना बन सकता है। वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अपनी वाणी का संयम रखें, हम संयम तो बहुत ले लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, हम 15 दिन का ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, हम संयम तो बहुत ले लेते हैं, और अगर वाणी का संयम, मैं तो कहता हूं कि उस संयम के पहले वाणी का संयम लेना अगर हम अपने जीवन में शुरू कर दें, तो कुछ नहीं बंधुओं, तुम्हारा घर जो नरक बनने की ओर जा रहा है वो स्वर्ग बन सकता है। वो स्वर्ग कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैं यही स्वर्ग उतार करके तुम्हारे घर में भेज सकता हूं। बस भावना भवनाशनी होती है। निर्मलता पवित्रता जीवन में हम कितनी ला सकते हैं, कितने नियमित शब्दों में हम अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकते हैं, ये हमें समझना है। क्योंकि हम आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, और हम पढ़े लिखे लोगों का मतलब क्या होता है, शालीनता, सज्जनता, पवित्रता, और ये अगर हमारे पास नहीं है तो केवल हम शाब्दिक ज्ञान हमने किया है, कॉलेज में जाकर के नॉलेज तो हमने प्राप्त कर ली है, मगर नोइंग नहीं है हमारे पास, अनुभव नहीं है हमारे पास।
अगर जब अनुभव हमारे जीवन में आने लगेंगे तो हर चीज हमारे लिए बहुत सहज और बहुत सरल हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत कठिन है ही नहीं, कोई चीज कठिन नहीं है बंधुओं। हम चाहें तो जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं, मगर हम करना तो चाहते हैं मगर यदवा तदवा करते हैं। वह मेघसेन धीवर अपना कल्याण चाहता था, मुनिराज के चरणों में बैठ गया। चाहता तो क्या लेना देना, बहुत सारे नागे बैठे रहते हैं, बहुत सारे साधु संत मिलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मगर उसके अंदर के परिणाम इतने भीग गए कि वो मुनिराज के चरणों में बैठकर और अपनी आजीविका का पहला वह ग्रास जिससे उसकी आजीविका चलना थी उसको छोड़ने का संकल्प कर लिया, उसका नियम ले लिया कि मैं इसे छोड़ता हूं। कितनी बड़ी हिम्मत। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी दुकान में जो पहला ग्राहक आता है उसकी कमाई मंदिर की गुल्लक में दे देना, महाराज जी दूसरा नहीं आया तो बट परंतु किंतु कितने खड़े हो जाएंगे देखना। 2006 में शायद गोमटेश बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक की बात चली, और अगर मैं आपसे कहूं कि भट्टारक जी ने मेरे पास खबर भेजी है कि महाराज आगरा में पहला कलश बुक करा दीजिए प्लीज, तो मैं आपसे कहूं कि भाई आप लोग अपने घर में चर्चा करो, पहला कलश गोमटेश बाहुबली का करना है, तो आप क्या कहें, महाराज जी कितने का है। पहला प्रश्न एक एक व्यक्ति के अंदर उठेगा। मगर अशोक पाटनी से जब ये बात कही गई, एन के सेठी और ज्ञानचंद झांझवी कलश आवंटन वाले थे राजस्थान के, अशोक जी वहीं थे, उनसे पूछा भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दे, उन्होंने कहा हाँ अगर 108 लाख रुपए में होता तो कर दीजिए, शायद 2006 की बात है, कर दीजिए। भट्टारक जी को फोन किया गया कि भाई हमारे राजस्थान के भामा साई ने स्वीकृति दे दी है 108 कलश की। भट्टारक जी कहते रुक जाओ अभी बुक नहीं करना, बड़े जोर से बोले अभी बुक नहीं करना, 5 दिन के बाद बुक करना मैं बताऊंगा। और उन्होंने अमेरिका में, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, जहां जहां जैन समाज की क्रीम रहते थे उन सबको फोन किया, तो बताते हैं 41 लाख से ज्यादा किसी का ऑफर नहीं आया। 5 दिन के बाद उन्होंने कहा कि उनका बुक कर दो, कहीं वो मना तो नहीं कर देंगे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। बुक कर दिया गया और जब उन्होंने अभिषेक किया, क्या आनंद आया उनकी अंतरात्मा में, इतना उल्लास आया कि जब वो अभिषेक करने के बाद नीचे आए तो 165 लाख रुपए वहां देकर के आए। कितने और तय कितने में हुआ था, 108 में 165 देकर के आए, और फिर कहा अगले 12 साल का कलश आप कलश मेरा होगा और निछावासी तुम्हारी होगी। और फिर जब अभी किया तो 1100 लाख रुपए देकर के आई, चिल्लाई नहीं, झुलझुलाई नहीं कि तुमने पहले तो हमें जवाब नहीं दिया, और तुम अगर होते तो सच्चे बोल काला कौआ काट खाएगा, क्या होता। आपने उस समय मैंने कहा था आपने कोई जवाब नहीं दिया, अब मेरा मन नहीं है, अब मैं नहीं करूंगा, अभी प्लीज नहीं, आप दिमाग खराब नहीं करो, हो गया तो हो गया। कितने चिल्लाते हैं, समझना, प्रयास करना समझने का, हमारे अंदर की निर्मलता, एक इतना निकृष्ट व्यक्ति, इतना छोटा व्यक्ति के अंदर कितनी पवित्रता आ गई कि वह पूज्यवर के चरणों में बैठ करके पंच नमस्कार मंत्र सीख गया, मछली पकड़ने चला गया और पहली मछली छोड़ दी और 4-5 बार वही मछली फंसी, झुलझुलाया नहीं, चिल्लाया नहीं,
उत्तेजना से नहीं भरा कि मेरी धर्मपत्नी घटना घंटा क्या कहेगी। मालूम था कि ये बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर है। गोपाल दास बरैया थे मुरैना के, उनकी धर्मपत्नी इतनी तेज थी कि पंडित जी से हुक्का भरवाती थी। हुक्का पंडित जी प्रतिदिन हुक्का भरते थे अपनी श्रीमती जी का। और एक दिन पंडित जी बिना हुक्का भरे जल्दी में चले गए मंदिर जी, और मंदिर जी में स्वाध्याय कराने लगे। तो वो पंडितानी घर मंदिर में पहुंच गई, ए पंडित, बड़ा पंडित बना है, पहले चलो हुक्का भरो मेरा, हुक्का भरो। और सभा खचाखच भरी है मंदिर जी में। पंडित जी उत्तेजित नहीं हुए कि तुझे शर्म नहीं आती, कितनी बेशरम है, नहीं बोले। और सबसे बोले, भैया नौकरी बजा करके आता हूं, आप लोग बैठिए। कायोत्सव किया और घर आकर के पंडितानी का हुक्का भरा, उसको जलाया, उसने गुड़गुड़ाना शुरू किया और पंडित जी आकर के स्वाध्याय फिर कराने लगे। सुकरात एक बहुत बड़े फिलॉसफर हुए, बहुत बड़े फिलॉसफर हुए, दार्शनिक हुए। उनकी पत्नी भी बड़ी खतरनाक थी, उनके फॉलोवर कहें, उनके शिष्य कहें, उनके साथ बैठे हुए थे। और वो किसी काम को कहकर के चली गई होगी बड़ी उत्तेजना में। और सुकरात दार्शनिक आदमी का दिमाग तो कहां रहता है, किसी को पता नहीं होता है। और वो भूल गए होंगे, वो बड़े गुस्से में आई और ठंड का समय था, उसने एक मटका सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया। कांप गए सुकरात ठंड के कारण, मगर उनके जो शिष्य थे, मित्र थे, बोले कितनी खतरनाक आपकी वाइफ है। बोले पहली बार वो नीति फेल हो गई। जो लोग कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, मगर मेरे यहां तो बादल गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। कोई बात नहीं, बादल बरस गए और उन्होंने अपने शरीर को पोंछा और पुनः अपने मित्रों के बीच में बैठ गए। क्या हम ये सज्जनता, ये सरलता क्या हम अपने अंदर नहीं ला सकते, या प्रेम ये वात्सल्य हम अपने अंदर नहीं ला सकते? सामने वाला अगर जैसा है वैसे अगर हम बन जाएंगे तो हमारा घर नरक हो जाएगा, नरक हो जाएगा। इस नरक से बचाने के लिए, आज घड़ी रख देना भैया, घड़ी नहीं है, नरक से बचाने के लिए हमें अपने आप को सुधरना होगा, हमें अपने आप को स्वयं का परिवर्तन करना होगा। और जो व्यक्ति स्वयं को संभाल लेता है वो दुनिया को संभाल लेता है। स्वयं के ऊपर अपनी वाणी का संयम जिसके अंदर है, संयम से जिसकी रिश्तेदारी, असंयम से क्यों बात करेगा, और फूलों से जिसकी साझेदारी वो कांटों से क्यों बात करेगा। इसलिए वाणी का संयम, और जब हम वाणी का संयम अपने जीवन में रखेंगे तो हमारा शरीर का संयम भी, मानसिक संयम भी और कायिक संयम भी हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। और मेघसेन धीवर बहुत वाणी का संयम लेकर के अपने घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। धर्मपत्नी घंटा दरवाजा तो खोलती है मगर पुनः उत्तेजित होती है, क्या लेकर के आए हो? कुछ नहीं, आज एक कुछ नहीं, आज एक साधु के पास बैठ गया था तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, मैं महामंत्र लेकर के आया हूं। फालतू बातें मत करो, खाने के लिए क्या लाए हो? खाने के लिए कुछ नहीं तो जा। अब उसने दरवाजा बंद कर लिया, कल अपन यहीं पर छोड़ करके गए थे। चिल्लाए नहीं मगर वो चिल्लाई, और वो एक तख्ते के ऊपर, एक पाटे के ऊपर मैगसेन विश्राम के लिए लेट गए। अर्धरात्रि में एक सर्प ने उन्हें डस लिया, सांप ने डस लिया। और सांप के काटने से आदमी कम मरते हैं मगर दहशत में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एक राजस्थान की घटना है कि दो बच्चे रेगिस्तान में रहा करते थे, वो पढ़ाई करके गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे। जितना पानी साथ ले गए थे वो पानी रास्ते में पी करके खत्म हो गया था, बहुत जोरों से प्यास लगी थी।
तो देखा उन्होंने एक झोपड़ी दिखी, उस झोपड़ी में गए और कहा माँ एक गिलास पानी दे दो हम लोगों को। माँ कहती बेटा इतनी धूप में आए हो, पसीने से चूर चूर हो गए हो, बेटा बैठो मैं तुम्हें छाछ रोटी खिलाती हूँ। अब उसने एक भगोने में से दो कटोरों में छाछ डाली और ज्वार की रोटियों को मसल करके दोनों को दे दी, बोले बेटा खा लो फिर तुम्हें पानी पिलाऊंगी। और दोनों बेटों ने खाई, पानी पिया और पानी अपनी बोतलों में भर करके चल पड़े। 2 महीने बाद जब पुनः स्कूल खोले तो वो लौटे तो बोले इस माँ ने जो छाछ की रोटियां खिलाई थी वो बहुत अच्छी थी, चलो माँ के पास फिर चल जाए। माँ कहती अरे तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो? बोले माँ क्या हुआ? बोले जो हमने छाछ में जो रोटी खिलाई थी ना, उस छाछ में 2 सांप के बच्चे थे, मेरी भगोनी में सांप के बच्चे निकले, तुम जिंदा हो? वो कहते माँ तुमने मुझे सांप की माली छाछ दी थी। और दोनों बच्चे धड़ाम से गिर गए, मर गए। सांप के जहर से आदमी कम मरता है, भयभीत होकर के ज्यादा मरता है, डर करके ज्यादा मरता है। तो हम डरे नहीं अपनी जिंदगी में, हम भयभीत बना खत्म करें और दूसरों को भयभीत करने का प्रयास ना करें। हमारे चेहरे पर वो शांति होना चाहिए कि कितना भी खूंखार व्यक्ति आ जाए और हमारे नजदीक आए तो उसके चेहरे पे भी मंद मंद मुस्कान आ जाए, तभी तो हमारा व्यक्तित्व है। और अगर वो हमारे चेहरे को देखकर और डबल उत्तेजित होकर जाए और भय लेकर के चला जाए तो हमारा चेहरा हानिकारक है। इसलिए अपने चेहरे को इतना शांत और इतना पवित्र बनाने का प्रयास करें, इतना मुस्कान से भरा हुआ, प्रसन्नता ही जीवन का श्रृंगार है, बाकी सब बेकार है। अंदर से प्रसन्न होना सीखो बंधुओं। हम बाहर से तो बहुत प्रसन्न होते हैं और मैंने इसका अनुभव किया, प्रैक्टिकल किए कि जो व्यक्ति बाहर से खुश रहता है, बाहर से हंसता है, वो उतना ज्यादा ही क्रोधी होता है, उतना ज्यादा क्रोधी होता है। जो बहुत हंसता है वो बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, क्योंकि वो नकली हंसी है, असली हंसी नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल आदमी तो आर्टिफिशियल होता है। विचार करें अपने आप के गरीबान को झांके कि हम आर्टिफिशियल हैं या ओरिजिनल हैं। हम हंसते ओरिजिनल हैं और जितने खलनायक हैं वो कितनी जोर से हंसते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुलि देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।